हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि आपके जेके पीएसआई के सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 700 प्लस एमसीक्यूज देखेंगे आज के इस सेशन में। तो यहाँ पे मैं पहले आपको पीडीएफ दिखाऊंगी कि एनवायरनमेंट पे पहले आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, ये आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन है जो आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद इकोलॉजी भी आपके सिलेबस में है, तो ये वाला पोर्शन हम इकोलॉजी का करेंगे। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी भी आपके सिलेबस में है, ये पोर्शन आप हम बायोडाइवर्सिटी का करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, इसके बाद है हमारे पास क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी आपके सिलेबस में है। एंड क्लाइमेट में जो है ओजोन भी आता है। ठीक है, ओजोन का भी, ओजोन लेयर, इसका भी एक पोर्शन आता है हमारे क्लाइमेट में, तो ये पोर्शन भी हम इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस सेशन में फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इसमें आता है, और बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज आते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इस सेशन में करेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेके एसएसबी पूछ सकता है इसमें से क्वेश्चन, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो या फिर पोल्यूशंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कुछ मिसलिनियस, ओके, वाटर कंजर्वेशन, मिसलिनियस, कुछ भी क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जेके एसएसबी है पूछ सकता है। ठीक है, हम ये पोर्शन भी देखेंगे इसमें, ताकि हमारा कोई भी ड्रॉप ना हो। एंड ये जो आज का सेशन है, मैक्स जो है सारा जो हम इसका कवर करेंगे, तो ये बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बट जेके एसएसबी जो है अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए जी, हम आते हैं अपने सेशन पे, करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। वेट, ओके जी, पहला क्वेश्चन है यहां पे, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनएक्टेड इन। चलिए आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1986। जी बिल्कुल, यहां पे पहले आंसर बट यूनिस आपने दिया है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज पास द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए जी, आंसर ठीक बिल्कुल 1986। तो यहाँ पे पहले आंसर इरफू आपने दिया है, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एनवायरनमेंट रेफर्स टू, वेट, सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ। एनवायरनमेंट रेफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप देख सकते हैं, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बीइंग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, ये सारा एनवायरनमेंट है। ओके गुड, चलिए यहाँ पे किसने पहले आंसर दिया हमें, जी शाहबाज, बिल्कुल आपने यहाँ पे आंसर दिया। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमें पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक जी बिल्कुल, हूर ने यहाँ पे पहले आंसर दिया है हमें, गुड। चलिए बहुत सारे दे रहे हैं आंसर्स, तो यहाँ पे जो पहले मेरे सामने आ रहा है मैं उसका नाम ले रही हूँ। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एनवायरनमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बायोटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, गुड। चलिए यहाँ पे पहले आंसर हमें किसने दिया, ओके अफसर अहमद खान, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज। जी यहाँ पे बिल्कुल हमें पहले आंसर बट समीर ने दिया है, जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल
इज द इनिशिएटिव ऑफ, चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस। जी बिल्कुल, यहाँ पे पहले आंसर हमें अर्शद अली आपने दिया है, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट, तो नेचुरल में हमें नहीं आते हैं रोड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है रोड्स। ओके जी, यहाँ पे पहले आंसर हमें अक्षय आपने दिया, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो करेक्ट आंसर है 5 जून। बिल्कुल वैस ऋषि आपने यहाँ पे पहले आंसर दिया हमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, मेन रोल सोलर रेडिएशन का किस में है, तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे वाटर साइकिल। यस, यहाँ पे हमें पहले आंसर धीरज कश्यप राजपूत आपने दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें पहले आंसर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आपने दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो करेक्ट आंसर है ऑल। जी बिल्कुल रजा अली आपने पहले आंसर दिया, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड डिक्रीजिंग पॉवर्टी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What was the title of the Rio 20 declaration? तो इसका करेक्ट आंसर है the future we want। बिल्कुल यहाँ पे बट समीर आपने हमें पहले आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। The first Earth summit was held at, तो करेक्ट आंसर है Rio de Janeiro। बिल्कुल आपने यहाँ पे आंसर दिया धीरज कश्यप राजपूत, पहले आपने यहाँ पे आंसर दिया, बहुत जी। बाकी भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल यहाँ पे रजाली आपने पहले आंसर दिया हमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वॉट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेयर। बिल्कुल यहाँ पे इरफू आपने हमें पहले आंसर दिया है जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एयर इज अ और एन, एयर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिक्सचर। बिल्कुल यहाँ पे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आपने पहले आंसर दिया। यस, बाकी सारे भी दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल आप सब सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, क्या है परसेंटेज नाइट्रोजन की ड्राई एयर में, तो करेक्ट आंसर है 78। यस, यहाँ पे हमें पहले आंसर रिकी चेब आपने दिया, बिल्कुल। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमोसफेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है 0.03%। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर मोहम्मद आसिफ आपने दिया है, गुड। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, कौन सा गैस इनमें से हमारे एयर में प्रेजेंट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर है रेडन। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर इरफू आपने दिया, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन एटमोसफियर द हाइस्ट परसेंटेज इज ऑफ, हमारे एटमोसफियर में हाइस्ट परसेंटेज इनमें से किसकी है, तो करेक्ट आंसर है इसमें नाइट्रोजन, गुड। जी कार्नियल राजपूत बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया यहाँ पे। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन एयर इज, हाइस्ट परसेंटेज किस गैस की हमारी हवा में है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। बिल्कुल
हाँ देखते हैं पहले आंसर किसने दिया यहाँ पे। मोहम्मद नसरुल्ला जी आपने पहले आंसर दिया यहाँ पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज, कौन सी गैस डिक्रीज होगी अगर ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश हो जाएंगे अर्थ से। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। बिल्कुल यहाँ पे हम देखते हैं पहले हमें यहाँ पे आंसर किसने दिया, तो यहाँ है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। बिल्कुल बाकी सब भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन नहीं करता है ना ट्री जी। ओके यहाँ पे हमें पहले आंसर इरफू जी आपने दिया है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल इन द प्लैनेट अर्थ, तो करेक्ट आंसर है फोटोसिंथेसिस। जी हमें यहाँ पे आंसर किसने दिया पहले, मिस्टर परफेक्ट जी। परफेक्ट आंसर दिया आपने। ओके बाकी सारे भी दे रहे हैं जी। बिल्कुल आप करेक्ट है बाकी सारे भी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू, तो करेक्ट आंसर है नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। जी हमें यहाँ पे पहले आंसर ताजिल फारूक आपने दिया जी। बिल्कुल सारे ही सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका, तो करेक्ट आंसर है जेनेवा जी। यहाँ पे हमें पहले आंसर रजाली। बिल्कुल ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। वॉट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर। चलिए ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ और भी सारे। ओके रिमेनिंग ऑप्शंस, तो इसका करेक्ट आंसर है नायरोबी जी। हमें यहाँ पे किसने आंसर दिया, रजा अली आपने पहले आंसर दिया इसका। गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर, तो करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जी। बट समीर आपने यहाँ पे पहले आंसर दिया हमें। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। NEA स्टैंड्स फॉर, NEA का क्या फुल फॉर्म है, तो करेक्ट आंसर है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। यस यहाँ पे मिस्टर परफेक्ट आपने करेक्ट आंसर दिया है पहले। यस बाकी सारे भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, तो करेक्ट आंसर है एमस्टरडैम। यस जी मिस्टर परफेक्ट आपने पहले आंसर दिया यहाँ पे। यस गुलजार बट आपने भी एंड बहुत सारों ने, कितनों का नाम लूँ, बहुत सारे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, तो करेक्ट आंसर है एनवायरमेंट फ्रेंडली। यस यहाँ पे हमें इरफू आपने पहले आंसर दिया इसका। गुड चलिए बहुत बहुत आंसर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। गुड चलिए जी करेक्ट आंसर्स हैं आप सबके। नेक्स्ट पे आते हैं। टू लेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, तो करेक्ट आंसर है इको मार्क। इको मार्क यस जी यहाँ पे हमें पहले किसने आंसर दिया, यस मिस्टर परफेक्ट। ओके इको मार्क इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मींस, चलिए जल्दी से आंसर बताइए, तो करेक्ट आंसर है टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। ओके जी यहाँ पे हमें पहले आंसर मोहम्मद नसरुल्ला आपने दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following states in India has recently introduced the greenhouse farming? चलिए जी इसका आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। यस यहाँ पे हमें पहले आंसर मुबशर वार जी आपने दिया आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। हार्मफुल फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ओके जी, हम यहाँ पे इनइविटेबल व्लॉगर, जी आपने बिल्कुल यहाँ पे पहले आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What is Rio Plus 20 conference often mentioned in the news? क्या है ये कॉन्फ्रेंस? तो करेक्ट आंसर है ए, यस बिल्कुल, इट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हमें यहाँ पे पहले आंसर किसने दिया? बट समीर आपने, जी बाकी सारे भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which year 1997 the World Environment Conference was organized in? तो करेक्ट आंसर है क्योटो। जी मिस्टर परफेक्ट आपने यहाँ पे पहले आंसर दिया। ओके बाकी सारे भी दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT was established by the government of India in? ओके चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 2010। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर मोहम्मद नसरुल्ला आपने दिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, कौन है ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है W.M. Adams। ओके जी यहाँ पे हमें आंसर हल्क बस्टर, जी आपने हमें यहाँ पे आंसर दिया पहले। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द अर्थ समिट प्लस 5 वॉज हेल्ड इन, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1997। ओके यहाँ पे हमें पहले आंसर किसने दिया? रंजीत सिंह बाला, जी आपने यहाँ पे हमें पहले आंसर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। Many transplanted seedlings do not grow because, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ओके तो इसका करेक्ट आंसर है सी। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर गुलजार बट, ओके आपने दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Environmental degradation means, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी यहाँ पे हमें पहले टेंशन 22, आपने नाम अपना टेंशन रखा है, टेंशन की बात नहीं है। ओके आंसर्स तो करेक्ट दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, एडवर्स चेंज ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसर्न ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? चलिए यहाँ पे मैं सॉरी आपको ये थोड़ा सा छोटा करके बताती हूँ, आप यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। ओके तो इसका करेक्ट आंसर है इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके तो यहाँ पे हमें किसने पहले आंसर दिया? यस यहाँ पे हमें मिस्टर परफेक्ट, जी आपने दिया है करेक्ट आंसर, बाकी सबने भी दिया है जी। ओके थोड़ा टाइम चाहिए, कोई बात नहीं। ओके ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लच मेडा विच हैज बीन इन द न्यूज फॉर इमेंस डैमेज टू इट्स एनवायरमेंट लाइज इन, चलिए बताइए आंसर, आपका ही वेट करती हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका केरला। जी हूर आपने पहले आंसर दिया इसका, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA इज ऑल्सो नोन एज,
तो करेक्ट आंसर है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। जी हमें यहाँ पे पहले आंसर मिस्टर परफेक्ट मिस बट समीर जी आप लोगों ने दिया। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूटेड इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द ओके चले बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर मिस्टर एट जी आपने दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दियर एनुअल सर्वे द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड द इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ग्लोब स्कैन गेव इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर। व्हाट इज दिस स्कोर? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स अ मेजर ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर है मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैनवर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज। जी हमें यहाँ पे पहले आंसर मिस्टर एट आपने दिया। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेशनल नेचुरल फॉर्मिंग वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है मसानोबु फुकुओका। बट यूनिस आपने इसका पहले आंसर दिया। गुड जी ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन आर्मी एनवायरमेंट कंजर्वेशन? आंसर बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी यहाँ पे पहले आंसर हमें मिस्टर परफेक्ट आप दे रहे हैं, करेक्ट है। बाकी सब भी जी आप लोग भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वॉज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? चलिए आंसर देखिए और बताइए कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली फर्स्ट, ठीक है, यानी कि राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रूड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो हमें यहाँ पे किसने पहले आंसर दिया? तो इमरान मीर नाम है आपका जी, आपने यहाँ पे हमें पहले आंसर दिया। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट्स को आप देखिए। एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ सारी स्टेटमेंट्स। ओके पहले आप ये वाला स्टेटमेंट देखिए। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. The sustainable development goals have to be achieved by 2030. Which of the statements given above is or correct? तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड। ओके यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। ओके ओके यहाँ पे हमें जो आंसर्स, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे सायर अहमद जी आपने यहाँ पे पहले आंसर हमें दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रेफर टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स?
तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. इट्स अ गोल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट ऑरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड ऑन जोहान्सबर्ग इन 2002. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली ए. ठीक है, इट्स अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, हमें यहाँ पे आंसर किसने दिया? यस, मिस्टर एट जी, आपने दिया. चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस? फॉरेस्ट पॉलिसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी? चलिए इसका आंसर बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. ओके जी, यहां पे हमें पहले आंसर इरफो आपने दिया है. ओके चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं. अब यहाँ पे assertion एंड रीजन क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए. गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट्स. ठीक है, पहले हम assertion देखते हैं क्या है. नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट. एंड रीजन देखते हैं. वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट. ठीक है, तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है. तो इसका करेक्ट आंसर है ए. बोथ ए एंड यानी कि assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ठीक है जी, इरफो आपने यहां पे पहले आंसर दिया. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है एंड वेट एंड वॉल्केनिक एक्शन. विच ऑफ द अबव एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. चलिए आंसर बताइए कौन सा है इसमें से. तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 3 and 4. फिर से देखते हैं. यानी कि रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वॉल्केनिक एक्शंस जो है ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ. ओके चलिए आप इकोलॉजी के पोर्शन पे आते हैं. इकोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम. ठीक है, इनमें से क्या नहीं है ट्रू किसके बारे में, इकोसिस्टम के? तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. तो इट्स नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम. जी यहाँ पे हमें रिक्की चिब आपने पहले आंसर दिया. ओके गुड, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम. इसका आंसर बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव. जी यहाँ पे हमें बानिहाल द अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज आपने पहले आंसर दिया. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन. इसका आंसर बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट. तो हमें यहाँ पे पहले आंसर मिस्टर परफेक्ट आपने दिया जी, बाकी सब ने भी करेक्ट आंसर दिया है. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय. इकोसिस्टम की टर्म किसने दी थी जी? टेंथले जी, यहाँ पे हमें पहले आंसर यहाँ पे कर्नेल राजपूत आपने दिया है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. कौन सा है इसमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो करेक्ट आंसर है फील्ड. जी यहाँ पे हमें पहले आंसर मिस्टर परफेक्ट आपने दिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is an artificial ecosystem? दूसरा क्वेश्चन भी ये है. चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसके.
राइस फील्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक। चलिए आंसर बताइए इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है राइस फील्ड। जी, हमें यहाँ पे पहले आंसर डायनामाइट। ओके, आपने बताया। नेक्स्ट पे आते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया इज नोन एज। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है कैरिंग कैपेसिटी। जी, यहाँ पे डायनामाइट। बिल्कुल, आपने यहाँ पे पहले रिकी चिब आपने भी दिया है आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सबके नाम फिर से बता रही हूँ, सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारों के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गन बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका इकोलॉजिकल निश। जी, वीरेंद्र सिंह, आपने पहले आंसर दिया है। जी चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो करेक्ट आंसर है मरीन इकोसिस्टम। ओके, हमें यहाँ पे पहले आंसर करने राजपूत भट्ट यूनुस आपने दिया है। बिल्कुल, आप दोनों ने पहले आंसर दिए, बाकी सब ने भी दिए हैं। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है इसमें से लार्जेस्ट इको सिस्टम वर्ल्ड का? तो करेक्ट आंसर है ओशियन। जी, यहाँ पे हमें पहले आंसर, ओके, मिस्टर एट करने राजपूत आप लोगों ने दिया। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है कटिंग फॉरेस्ट। जी, यहाँ पे हमें पहला आंसर ये जी करने राजपूत आपने दिया है। ओके, बिल्कुल, बाकी सब भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, सॉरी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। मेन कॉज कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है डिफॉरेस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे हमें पहले आंसर अथर बशीर आपने दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है लम्बरिंग। जी, यहाँ पे डायनामाइट आपने पहला आंसर दिया। ओके, गुड, चलिए ऐसे ही आंसर देते जाइए। गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द हाइस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। तो करेक्ट आंसर है ओमनिवर्स। जी, यहाँ पे हमें पहला आंसर ईरफू आपने दिया। ओके, ओमनिवर्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर। जी, हमें यहाँ पे पहले आंसर किसने दिया? ओके, वानी ताहा जी, बाकी सबने भी दिया है, करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज प्राइमरी सोर्स एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर एनर्जी। जी, यहाँ पे हमें लकुर शुर, ओके, और वीरेंद्र सिंह जी आप लोगों ने मैनेज। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। जी, ओके, यहाँ पे हमें पहले आंसर रिकी चिब आपने दिया। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10% लॉ इज रिलेटेड विद, क्वेश्चन देखिए आंसर बताइए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। यहां पे पहले आंसर हमें यहां पे बट यूनिस आपने दिया, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, इन द मरीन एनवायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर है फाइटोप्लैंक्टन्स। यस, यहाँ पे हमें पहला आंसर और रिकी चिब आपने दिया, ओके बिल्कुल आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, जी ग्रीन प्लांट्स इसका करेक्ट आंसर है, हमें यहाँ पे वानी ताहा आपने पहले आंसर दिया, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट इंक्लूड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन प्लांट्स, ओके। जी यहाँ पे कंटिन्यूअसली इतने आंसर आ रहे हैं, करेक्ट आंसर्स आप लोग दे रहे हैं तो मैं किसका नाम लूँ, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, चलिए आप सब आ रहे हैं, ठीक है आप सब के नाम मैंने देख लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, देख लीजिए कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम। जी हमें यहाँ पे सायर अहमद जी आपने यहाँ पे पहले आंसर हमें दिया, ओके नेक्स्ट पे आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम इज, चलिए बताइए जी, लकुरशुर बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया, ग्रास ग्रास होपर फ्रॉग एंड स्नेक, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रास गोट एंड ह्यूमन। जी यहाँ पे पहले आंसर हमें बानी हाल द एक्सप्लोरर अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज एंड रिकी चिब, जी आपने यहाँ पे हमें आंसर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, आंसर बताइए जल्दी जल्दी से, तो करेक्ट आंसर है पॉन्ड। जी यहाँ पे हमें डायनामाइट आपने पहले आंसर दिया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स इज लाइकली टू शो द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी वंस, वेट, वंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, तो चलिए बताइए इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है स्नेक। जी बिल्कुल यहां पे हमें डायनामाइट आपने पहले आंसर दिया है, स्नेक, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली, तो इसका करेक्ट आंसर है इकलिप्टस, ओके लकुरशुर बिल्कुल आपने यहां पे हमें पहले आंसर दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटल हजार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर भी एकलिप्टस ही है। जी यहां पे हमें पहले आंसर रिकी चिप आपने दिया, ओके। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज, तो करेक्ट आंसर है पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स। जी यहां पे हमें पहले आंसर वानी ताहा एंड डायनामाइट जी आप लोगों ने दिया, जी बाकी लोग भी दे रहे हैं करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज,
तो इसका करेक्ट आंसर है इकोटोन। ओके डायनामाइट, बिल्कुल आपने यहाँ पे हमें पहले आंसर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, कौन सा है इनमें से मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो करेक्ट आंसर है ओशियन। जी डायनामाइट, बिल्कुल आपने यहाँ पे पहले आंसर दिया। ओके कीप इट अप, चलिए देते जाइए आंसर्स। ओके चलिए, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है बायो जियो केमिकल। यहाँ पे पहले आंसर धीरज कश्यप राजपूत आपने दिया है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद इकोलॉजिकल बैलेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जी यहां पे पहले आंसर हमें लकुर शूर ने दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? मूवमेंट, हां जी डेस्टनी एंड रिकी चिब, बिल्कुल आप लोगों ने पहले आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लांट कंजर्वेशन। जी धीरज कश्यप राजपूत आपने पहले आंसर दिया। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? चलिए बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है डी मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक एंड ओशियंस। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वेश्चन देखिए एंड बताइए। आई नो क्वेश्चन बड़े होते हैं, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बताइए। यहाँ पे तो आंसर्स आना शुरू भी हो गए, गुड। यहाँ पे हमें पहले आंसर बानी निहाल द अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज आपने दिया है, करेक्ट आंसर है। ओके बाकी सबने भी करेक्ट आंसर दिया है। ओके तो इसका करेक्ट आंसर द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, आंसर बताइए। चलिए जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल। ओके वॉइस कट रही है, ग्लोबल हेक्टेयर्स इसका करेक्ट आंसर है। डायनामाइट, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया पहले। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेट, द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड हिज, क्या बोला जाता है इसको? तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसका करेक्ट आंसर है। जी यहां पे हमें पहले आंसर मिस्टर एट आपने दिया है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है आनिनेस। यहां पे हमें इसका पहले आंसर सायर अहमद आपने दिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश वॉज इनन्सिएटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनल। इकोलॉजिकल निश, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोविजनाइजिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल, वेट एंड कल्चरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस? चलिए बताइए,
तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो इसका करेक्ट आंसर है डायटम्स, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स। ओके जी यहाँ पे हमें आंसर आ गया है ताहिर हुसैन डार, आपने पहले आंसर दिया है इसका बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ वाटर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है पिकनुकलाइन। जी हमें यहाँ पे पहले आंसर डायनामाइट आपने दिया, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर लिमिट्स एंड फायर। जी हमें यहाँ पे बट यूनिट्स आपने पहले आंसर दिया, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। चलिए क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर। जी आकिब मंजूर, बहुत सारों ने दिए हैं। ताहिर हुसैन डार बिल्कुल सही। न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। जी यहाँ पे हमें आंसर्स आना स्टार्ट हो गए बिल्कुल। डायनामाइट आपने पहले दिया, तो सी पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द इकोसिस्टम। चलो नेक्स्ट इधर देखते हैं, टर्म्स देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा इनमें से करेक्ट है। ओके द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एजी टैंसले। Those organisms which produce their food themselves as termed as autotrophs. Consumers consume their food through the process of photosynthesis. Decomposers convert inorganic matter into organic matter. चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2। ठीक है, टेंसले ने टर्म दिया है those organisms which produce their food themselves are termed as autotrophs. Okay? 1 and 2 इसका करेक्ट है। जी डायनामाइट बिल्कुल आपने यहाँ पे आंसर दिया, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट बायोनॉमिक्स। इट्स अ मीन्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, इट्स अ साइनोनियम विद इकोलॉजी, इट्स स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम्स। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3। ओके यानी कि इट्स अ साइनोनिम्स विद इकोलॉजी, इट्स स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विद इन्फ्लुएंस इको विच सॉरी विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम्स। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the decomposer microorganisms to the surface, nutrients to the surface, bottom dwelling organisms to the surface. चलिए बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। ओके चलिए जी
concerned eco-sensitive zones, which of the following statements is or correct? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. ये देखिए, इको सेंसिटिव जोन्स और द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द पर्पज ऑफ द डिक्लेरेशन, वेट, ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर. तो चलिए इसका आंसर बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है नीदर वन नॉट टू. ओके जी, यहाँ पे हमें पहले आंसर मिस्टर परफेक्ट आपने दिया. ओके चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं. कंसर्न द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेन्स इज और आर नोन एज डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेन्स. चलिए, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. ओके, टू एंड थ्री जी, फंजाई एंड बैक्टीरिया. ओके, बिल्कुल यहाँ पे हूर आपने आंसर दिया पहले, गुड. चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं. इनमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम, एंट्स, डियर, फॉक्स, टाइगर. चलिए इसका आंसर बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है वन एंड टू, एंट्स एंड डियर प्राइमरी कंज्यूमर्स है इकोसिस्टम के. ओके जी, यहाँ पे हमें डायनामाइट, बिल्कुल आपने यहाँ पे पहले आंसर दिया है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. कंसर्न फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर. फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाई अदर्स. इन स्टेटमेंट्स में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. एक सेकेंड. ओके चलिए बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन, ए. ओके जी, यहाँ पे हमें पहले मिस्टर परफेक्ट आपने आंसर दिया है. अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर. ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. अब हमारा बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन हम देखेंगे. ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं. तो चलिए जी यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हम बायोडाइवर्सिटी का. ओके, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, बताइए जी. आंसर्स तो आ रहे हैं, बिल्कुल यहां पे इसका करेक्ट आंसर मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. बहुत सारों ने आंसर दिए. यस, पहले कर्नेल राजपूत आपने दिया है करेक्ट. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से है. आंसर बताइए इनमें से. तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है जी. यहाँ पे हमें पहले आंसर डायनामाइट आपने दिया. ठीक, द लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. तो इसका ऑल ऑफ द अबव है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एनवायरमेंट. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी. यस, यहाँ पे हमें पहले आंसर कर्नेल राजपूत आपने दिया. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. बायोडाइवर्सिटी मींस, तो इसका करेक्ट आंसर है डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिक्यूलर एरिया. जी डायनामाइट, आपने पहले आंसर दिया इसका. ओके नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन देखिए, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, तो इसका करेक्ट आंसर है नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. चलिए देखते हैं पहले आंसर किसने दिया. हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट एंड कर्नेल राजपूत जी, आप लोगों ने पहले आंसर दिया है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं.
Which one of the following is the most important factor responsible for the decline of biodiversity? तो करेक्ट आंसर है इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. जी यहाँ पे हमें पहले आंसर कर्नल राजपूत आपने दिया, बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम. बिल्कुल डायनामाइट आपने सही आंसर दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन. जी बाकियों ने भी सही आंसर दिया है. ओके करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन देखिए, बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. कब सेलिब्रेट होता है बायोडाइवर्सिटी डे? तो करेक्ट आंसर है 22 मई. बिल्कुल यहां पे मिस्टर परफेक्ट आपने पहले आंसर दिया है, लकुशुर आपने भी. नेक्स्ट पे आते हैं. Which one of the following strongly threatens biodiversity? तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन एंड झूम कल्टिवेशन. जी यहाँ पे मिस्टर परफेक्ट डायनामाइट बैक टू बैक आंसर्स दे रहे हैं, गुड. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर. तो करेक्ट आंसर है ईस्टर्न हिमालयाज एंड द वेस्टर्न गार्ड्स. ओके यहाँ पे हमें पहले आंसर नदीमा सूफी आपने दिया, बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इनमें से. ठीक है चलिए बताइए. तो अभी तो मैंने ऊपर बोला, तो करेक्ट आंसर इसका वेस्टर्न गार्ड्स, बिल्कुल. डायनामाइट आपने पहले आंसर दिया, गुड. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विथ रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज रिगार्डेड एज हॉट स्पॉट. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. जी यहाँ पे हमें फायर मनहास, बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से बताइए. तो करेक्ट आंसर है ईस्टर्न हिमालयाज, या जी यहाँ पे हूर आपने पहले आंसर दिया है. ओके नेक्स्ट पे आते हैं. द हॉट स्पॉट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट फाउंड इन इंडिया आर. ईस्टर्न हिमालयन रेंज, वेस्टर्न गार्ड, बिल्कुल. इससे पहले भी ये क्वेश्चन किया. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया का नहीं है? तो करेक्ट आंसर विंध्याज. जी यहाँ पे हमें डायनामाइट आपने पहले आंसर दिया है, गुड. जी बाकी सब भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कीप इट अप, गुड. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट. ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न गार्ड्स. आप देख रहे हैं क्वेश्चन बार 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 कितने आए हैं इन पे, तो कितना इंपॉर्टेंट है ना. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री कौन सा है? करेक्ट आंसर है सीक्वा, बिल्कुल डायनामाइट सीक्वा आपने पहले आंसर दिया. ओके गुड आंसर्स ऐसे ही देते रहिए सारे. अ स्पीशी इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट इफ इट हैज नॉट बीन सीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट फॉर. कब बताया जाता है कि एक्सटिंक्ट हो गया? तो करेक्ट आंसर है 50 ईयर्स, बिल्कुल. यहाँ पे डायनामाइट लाकुरशुर आप लोग पहले आंसर दे रहे हैं करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशी. तो इसका आंसर बताइए जल्दी से,
तो करेक्ट आंसर है ब्रॉडनिश जी, डायनामाइट, बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया है यहाँ पे जी। आतिफ ठाक आपने भी पहले आंसर दिया, ओके चलिए। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है IUCN, ओके जी। यहाँ पे देखते हैं किसने हमें पहले आंसर दिया, मोहम्मद हुसैन। बिल्कुल आप सब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, गुड। एंडेंजर्ड स्पीशीज आर लिस्ट इन, आंसर बताइए जल्दी से, तो इसका करेक्ट आंसर है रेड डेटा बुक। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर किन्होंने, जी आतिफ टाक आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रेड डेटा बुक इज कंसर्न्ड विद, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनिज्म्स एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जी यहाँ पे डायनामाइट आपने पहले आंसर दिया, गुड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड एस, ओके जी। हमें यहाँ पे पहले आंसर किसने दिया, जी डायनामाइट आपने पहले आंसर दिया हमें, गुड। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स आर अ हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके जी। यहाँ पे हमें बहुत सारे आंसर्स आए हैं, सबके नाम नहीं ले सकती अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज, कौन है ऑथर इसके, तो इसका करेक्ट आंसर है वंदना शिवा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a reason for the loss of biodiversity in Uttarakhand? तो यहाँ पे देखते हैं सारे options. एक सेकेंड, पहला ऑप्शन आपने देख लिया, बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है एफोरेस्ट्रेशन ऑफ बैरन लैंड। जी यहाँ पे हमें पहला आंसर डायनामाइट जी आपने, सोफिया रहान आपने भी, गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व्स। जी यहाँ पे हमें आतिफ ठाक आपने बिल्कुल सही आंसर दिया पहले, बाकी सबने भी दिया, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर एन इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, तो इसका करेक्ट आंसर है बोटानिकल गार्डन। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर दानिश रशीद, गुड आपने दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज इन क्रायो बैंक फॉर एक्सिड्यू कंजर्वेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। जी हम यहां पे मिस्टर परफेक्ट आपने पहले आंसर दिया, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स।
जी शबनम, हम आपने यहाँ पे पहले आंसर दिया। ओके चलिए, सारे ही करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जी यहाँ पे हमें पहले आंसर मेघारानी आपने दिया। ओके गुड। बायोडायवर्सिटी चेंज ऑकर, आंसर बताइए। इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। द रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन द, कहां पे? इसका करेक्ट आंसर है साइलेंट वैली। जी यहां पे आके मलिक आपने हमें आंसर दिया है पहले। गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, आंसर्स देखते हैं। चलिए बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। जी ओके यहां पे हमें आंसर सीक्रेट, जी आपने पहले। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर भी केरला ही है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन, तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। बिल्कुल लकुर श्योर आपने पहले आंसर दिया। ओके चलिए आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। गुड। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? तो इसका करेक्ट आंसर है बोझ वेटलैंड। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द रामसर कन्वेंशन वॉज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है वेटलैंड्स। ओके ओके हमें यहाँ पे पहले आंसर किसने दिया? ओके कृष्णा जी। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फेब। बिल्कुल यहाँ पे हमें पहले आंसर किसने दिया? ओके साहिल कुमार जी, बाकी लोग भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेटिक वेरिएशन। जी बिल्कुल हमें यहाँ पे पहले आंसर डायनामाइट। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कार्टोजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर है बायोसेफ्टी एग्रीमेंट। देखते हैं पहला आंसर जी यहाँ पे डायनामाइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Which one of the following is the most effective factor of coral bleaching? बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल वार्मिंग. ओके जी यहाँ पे हमें पहले आंसर मेघा रानी आपने दिया. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमेना. चलिए बताइए इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन है इस फिनोमेना के लिए. सॉरी तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. तो इसका करेक्ट आंसर है लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. चलिए आंसर बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टर जी रोजेन. जी यहाँ पे हमें पहले आंसर साहिल कुमार आपने दिया. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द डीके 2011 टू 20 हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूएनओ एज अ डिकेड ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर है बायोडाइवर्सिटी डिकेड. जी यहाँ पे हमें पहले आंसर डार जुनैद आपने दिया. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन. तो इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 2002. जी यहाँ पे हमें पहला आंसर शगुफ्ता रशीद जी आपने दिया. ओके नेक्स्ट पे आते हैं. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन. चलिए आंसर बताइए इन 2003 इन चेन्नई. ओके चलिए जी गुड. यहां पे हमें पहले आंसर किसने दिया सीक्रेट. ओके सीक्रेट. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. सी बकथॉर्न हैज अ ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल. द बेरीज ऑफ दिस प्लांट आर रिच इन विटामिंस एंड न्यूट्रिएंट्स. गेंगिस खान यूज देम टू इम्प्रूव स्टैमिना ऑफ हिज ट्रूप्स. रशियन कॉस्मोनॉट्स यूज इट्स ऑयल टू कंबैट रेडिएशन. वेयर इज दिस प्लांट फाउंड इन इंडिया. तो करेक्ट आंसर है लद्दाख. ओके तो यहां पे हमें पहले आंसर किसने दिया. बिल्कुल मेघा रानी. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन रिपोर्टेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर डेथ. तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्लोफेनाक सोडियम. ओके जी यहाँ पे पूछ रहे हैं ये एग्जाम. जी यहाँ पे बहुत चांसेस है इन क्वेश्चंस में आने के. ठीक है
तो कर लीजिए ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पेन किलर्स टू कैटल। ओके जी, यहां पे हमें पहला आंसर मोहम्मद साकिब आपने दिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स अगो और रियरली सून नाउअडेज, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर है टू अ ड्रग यूज बाई कैटल ओनर्स फॉर द ट्रीट फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज्ड कैटल। ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। द ट्री स्पीशीज इन मॉरिटस फेल्ड टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ अ फ्रूट ईटिंग बर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज दैट बर्ड, कौन सा था वो फ्रूट ईटिंग बर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है डोडो। ओके यहाँ पे हमें किसने पहले आंसर दिया, शबनम, नो आपने यस प्रीवियस क्वेश्चन, ओके बट यूनिस, ओके मेघरानी, बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे पहले आंसर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ, तो इसका करेक्ट आंसर है बैट। जी हमें यहाँ पे पहले आंसर शबनम, ओके आपने दिया, यस चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी द मरीन एनिमल कॉल्ड ड्यूगोंग विच इज वन लेबल इज एक्सटिंक्शन टू एक्सटिंक्शन इज अ और एन, क्या है ये मरीन एनिमल, तो इसका करेक्ट आंसर है मैमल। ओके ये एक मैमल है, डार जुनैद, बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया, मोहम्मद साकिब जी। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट, सारे देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके जी यहाँ पे हमें पहले आंसर सीक्रेट आपने दिया। ओके जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स इंप्लीमेंट्स द कार्टाजिना प्रोटोकॉल इन बायोसेफ्टी, चलिए इसका आंसर बताइए, तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स। जी यहाँ पे बात ही यूनिस आपने पहले आंसर दिया। ओके अ सैंडी एंड सलाइन एरिया इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीशीज द एनिमल हैज नो प्रीडेटर्स इन दैट एरिया बट इट्स एक्सिस्टेंस इज थ्रेटेंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल, बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन वाइल्ड एस। जी यहां पे पहला आंसर हमें मेघा रानी आपने दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द नेशनल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड एट, चलिए आंसर बताइए, नगोया। जी यहाँ पे हमें पहला आंसर मोहम्मद साकिब आपने दिया। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड एंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन ओडिशा एंड अनदर विद इट्स सोर्स इन ओडिशा मर्ज एट अ प्लेस only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected wait area. Which one of the following could be this? कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिठार
कनिका, ओके, विठार कनिका। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। ओके वेट, क्वेश्चन बड़ा है, चलिए कोई नहीं, फिर नीचे कर लेते इसको। इंडिया इज अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन एंड हैज डिक्लेयर्ड मनी एरियाज एज रामसर साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एज टू हाउ वी शुड मेंटेन दीज साइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा तो इसका करेक्ट आंसर है। वेट, पहले मैं पूरी तरह से एडजस्ट करती हूँ, आप सारे स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़िए। ओके जी, क्वेश्चन तो इसका करेक्ट आंसर है कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज। ओके जी, यहाँ पे इस टाइम जितना मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने पहले समीर अहमद जी, आपने पहले आंसर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेट, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज बॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड व्हाट डज इट इंप्लाई। चलिए आंसर्स देखिए एंड बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर है चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग एंड आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए आंसर्स देख लीजिए आप ये दो एंड दिखाती हूँ और दो ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारी ऑप्शंस इसके करेक्ट है। ओके ऑल जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द एनवायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डीप सी। ओके जी, यहाँ पे हमें पहले आंसर पल्लवी सैनी, ओके आपने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल। ठीक है, ये भी ये भी ये भी एंड ये भी। ओके चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। वेट, पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। आप लोग तब तक क्वेश्चन देख लीजिए। ओके How does National Biodiversity Authority (NBA) help in protecting the Indian agriculture? NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. NBA directly monitors and supervises the scientific research on the genetic modification of crop plants, application for intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBA. चलिए बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर है सब में से। तो इसका करेक्ट आंसर है वन एंड थ्री, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, वन एंड थ्री, यानी कि एनबीए चेक करता है बायोपायरेसी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न, विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट, सॉरी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। ओके, it helps in controlling soil erosion and in preventing desertification, it is a rich source of biodiesel, it has nutritional value and is well adapted to grow in cold areas of high altitudes, its timber is of great commercial value. chaliye options sare dekhiye fir bataiye last mein hame choose karna hai inme se kaun sa hai. theek hai,
तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3. ओके, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग, एंड इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. आप आंसर्स देते रहिए, मेरी नज़र वहाँ पे भी है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ तो ज़्यादा फिर टाइम इसी के साथ चला जाता है. तो चलिए बीच बीच में मैं देख रही हूँ कौन हमें आंसर दे रहे हैं. चलिए, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, वट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेज, कौन सा कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इनमें से. पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वैस्प स्पाइडर्स एंड बर्ड्स. ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर. ओनली 1 and 3, यानी कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड एंड इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वैस्प स्पाइडर्स एंड बर्ड्स. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. कॉन्सर्न ड्यूगोंग अ मामल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट. इट्स अ हर्बिवरस मरीन एनिमल, इट इज फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर स्केड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो इसका करेक्ट आंसर भी 1 and 3. It's a herbivorous marine animal and it's given legal protection under Schedule 1st of the Wildlife Protection Act 1972. Okay, good. जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Three of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma regions as hotspots of biodiversity. ठीक है, species richness, vegetation density, endemism, ethnobotanical importance, threat perception, adaptation of flora and fauna to warm and humid conditions. Which three of the above are correct criteria in this context? चलिए questions देखिए पहले अच्छे से, तो फिर answer. तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 3 and 5. ओके, 1, 3 and 5. ओके जी, यहाँ पे सीक्रेट आपने पहले आंसर दिया इसका. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. कंसर्न एंड ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट. इट्स अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. It identifies the site referred to as important bird and biodiversity areas. Okay, चलिए करेक्ट आंसर बताइए. मैंने बताया कौन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए. ओनली 1 and 3. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following statement is or correct? Proper design and effective implementation of UNREDD program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem, poverty reduction. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1, 2, 3, तीनों. ठीक है, तीनों इसके करेक्ट आंसर है. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. आई नो ये क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, इनको पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लगता होगा, कोई भी बात नहीं, टेक योर टाइम, देख लीजिए इन क्वेश्चंस को. ठीक है, कंसर्न द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड द कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट. ठीक है, देख लीजिए सारे स्टेटमेंट्स एंड बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है. IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड CITES इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स. IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट. CITES साइट्स इज लीगली बाइंडिंग
on the states that have joined it, but this convention does not take place of national laws. Chale bataiye inme se kaun sa hai correct. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडायवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. It's an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. It's a global initiative that focuses on drawing in attention to the economic benefits of biodiversity. It presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the values of ecosystem and biodiversity. Kaun sa isme se correct hai? Only second and third. Okay? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लाइन टेल्ड मैकाक्यू फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 तमिलनाडु में, केरला में एंड कर्नाटका में. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. Black necked crane, cheetah, flying squirrel, snow leopard. Which of the above are naturally found in India? Naturally. 1, 3, and 4. Okay? 1, 3, and 4. Chaliye, next pe aate hain. Consider the following. Bats, bears, rodents. The phenomena of hibernation can be observed इन विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ एनिमल्स. हाइबरनेशन में इनमें से कौन से जाते हैं? ठीक है, तीनों. ओके 1, 2, 3. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बायोडायवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर in the lower latitudes as compared to higher latitudes. Along the mountain gradients, biodiversity normally greater in the lower latitude as compared to higher latitudes. Chaliye bataiye. To iska dono mein se correct dono hi hai. Theek hai, both 1 and 2. Chaliye, consider the following statements. Saltwater crocodile is found in the Andaman and Nicobar Islands. Shiv and Tapir are found in the Western Ghats of the Malabar region. चलिए इनका consider करके बताइए कि बहुत सही है या कौन सा इसमें से. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. Consider the following statements. In India, red panda is naturally found in the Western Himalayas only. In India, snow loris lives in the dense forests of northeast. Which statements given above is or correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2. जी यहाँ पे सोफी अरहान आपने आंसर दिया. यस, इन इंडिया स्लो लोरिस लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. कंसर्न द कंजर्वेशन Organization called Wetlands International. Which of the following statements is or are correct? It is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to Ramsar Convention. It works at the ground level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies. ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर है B. ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. कंसर्न द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स लार्जर दैन दैट ऑफ द टोटल इन इनलैंड एरियाज ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है?
ओनली फर्स्ट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखिए यहाँ पे, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, एक सेकेंड, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कंबैट डेजर्टिफिकेशन, द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विच ऑफ द अबव हैज एंड हैड ए बीटिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तीनों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया। चलिए इस पर बताइए। आई नो वो वाले क्वेश्चंस बहुत बड़े थे, ठीक है, तो पढ़ने के लिए टाइम लगता है, समझने के लिए टाइम लगता है। तो इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। सॉरी यार, हो जाता है, ठीक है। चलिए तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से भी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट से भी, एंड इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज से भी, ठीक है। तो कोई वेजिटेरियन है नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है इस पे, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विच ऑफ द अबव इज और आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सॉरी अजान हो रही है, प्लीज 2 मिनट सबर करिए। चलो जानो।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। इंडिया हैज फोर डायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दैट्स ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ओके, ये दोनों ही करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज बीन डिजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालयाज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन एंड थर्ड, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। द रेड डेटा बुक्स पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कंटेन लिस्ट्स ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखना है कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड वाला, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। While India's human population is growing at an astounding pace, the bird population is shrinking fastly, mainly because there has been an abnormal increase in the number of hunters. Biopesticides and organic manures are being used on the large scale. There has been large scale reduction in the habitats of the birds. There has been a large scale use of pesticides, chemical fertilizers and mosquito repellents. ठीक है, तो इन इन में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिक्किम आर ट्रू? कौन से स्टेटमेंट अबाउट सिक्किम इसमें से ट्रू है? इट हैज बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। इट इज कंसिडर्ड एज अ बॉटनिस्ट पैराडाइज। इट्स पॉपुलेशन इज मेनली मेड अप ऑफ लिपकाज। ठीक है, लाइक द करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3, तीनों इसके करेक्ट आंसर्स है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स? चिल्का लेक, वुलर लेक, क्योलाडियो और लोकतक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? इनमें से किन में है कोरल रीफ्स, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबंस। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। ठीक है, इन तीन जगहों पे पाए जाते हैं। चलिए जी अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब हम क्लाइमेट पोर्शन, अपने सिलेबस के क्लाइमेट पोर्शन को देखेंगे। ओके, चलिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी प्रोसेस है? ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। टू ऑब्टेन सस्टेनेबल टेम्परेचर फॉर प्लांटेशन, यहां पे इसका करेक्ट आंसर जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द एटमोसफेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा वैसे ही क्वेश्चन है जैसे वहाँ पे बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इस टाइम मैं सबका नाम नहीं लूंगी, किसी का नाम
नहीं लूंगी क्योंकि आप लोगों को खुद पता है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो यहाँ पे मैं सारे आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। व्हाट वाज द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 2015? आप मुझे आंसर देते जाइए, मैं देख रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 21st। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, क्लाइमेट चेंज किस वजह से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज आती है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज इन एटमोसफियर। ठीक है जी, बिल्कुल आप सब करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पास्टुलेटेड बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज किनने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ फॉरियर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन समटाइम्स सीन इन न्यूज रेफर टू, ठीक है, क्या ये जो न्यूज में आता है इसका क्या मतलब है? ठीक है, किसको ये रेफर करता है? रेफर टू वर्ल्ड एक्शन प्लान टू डील विद क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एनहेंस्ड इन द एनवायरनमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी गैस इनमें से है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है O2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following group of gases contribute to the greenhouse effect? तो करेक्ट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट पे आते हैं। Which set of the following gases is most important for greenhouse effect? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस कॉज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर वेपर्स। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो करेक्ट आंसर है आर्गन। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट साइंड विद द वर्ल्ड बैंक इन मे 2011 इज नॉट करेक्ट? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ? तो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। टुडे द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज, किसकी वजह से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है कि कार्बन
से एमिशन में, सॉरी कौन सी जगह है ऐसी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चलिए, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा ही होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए क्योंकि चाइना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान। ओके, चलिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is responsible for global warming? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड वाटर वेपर्स भी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following is not a greenhouse gas? तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following is not a greenhouse gas? इनमें से तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग इज caused ड्यू टू द emission ऑफ, चलिए इसका करेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अप्रिहेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर एग्रेवेटेड बाय इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, तो इसका आंसर भी है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। The global warming is due to, करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट एब्सॉर्ब्स। सारे आंसर्स देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इट एब्सॉर्ब्स ऑल द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक है, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट? तो इसका करेक्ट आंसर है फार्मिंग। चलिए, द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कार्ड चुइंग एनिमल इज, तो करेक्ट आंसर है मीथेन।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकेम इफेक्टिव ऑन. तो इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च 1994. ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ग्लोबल एटमोसफियर वॉच स्टेशन टू कलेक्ट द डेटा ऑन वर्ल्ड टेम्परेचर. तो करेक्ट आंसर है इसका इंडिया. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीडीएम. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट सीडीएम. वेट, तो इसका करेक्ट आंसर है डी. इट प्रोहिबिट्स डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. ओके चलिए. In the context of carbon dioxide emission and global warming, what is the name of a market-driven device under the UNFCCC that allows developing countries to get funds, incentives from the developed countries to adopt better technologies that reduce greenhouse gas emission? So, iska correct answer hai clean development mechanism. Okay? Chaliye ji. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल. तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे हैं. Which of the following is not true for India to combat the adverse impact of climate change? तो इसका करेक्ट आंसर है not attended in the 19th meeting of BASIC at Sun City, South Africa held recently. Which of the following is not correctly matched? ठीक है, इनमें से देखिए कौन सा correctly matched नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन ट्रेडिंग मॉनिटरल प्रोटोकॉल. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो करेक्ट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स इज मैनेज्ड बाय. तो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थियोरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो करेक्ट आंसर है सोलर इरेडियंस. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. हु हैड सजेस्ट द शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. तो करेक्ट आंसर है मिल्टन मिलन कॉलेज. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो करेक्ट आंसर है आइसको.
नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज रिलीज्ड इन, तो करेक्ट आंसर है 2008. ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्ट अंडर 8 एक्शन ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर है एटॉमिक एनर्जी. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 मिशंस अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन एक दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर पावर. ओके चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है 2013. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है सरायकेला खरसवन. ओके सरायकेला, यस. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, साइंटिस्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी रिसेंटली सजेस्ट कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय क्लाउड ब्राइटनिंग ओवर पैसिफिक ओशन थ्रू जियो इंजीनियरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड फॉर दिस, तो इसका करेक्ट आंसर है सी वॉटर. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इसका करेक्ट आंसर है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रपोज अ कार्बन टैक्स फॉर इट्स पीपल टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग, इसका करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड. ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, तो इसका करेक्ट आंसर है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 1992. ओके चलिए चलिए यहां पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्योटो प्रोटोकॉल केम इन टू फोर्स इन ईयर 2005, क्योटो प्रोटोकॉल प्राइमरी डील्स विद रिड्यूसिंग ओवरऑल ग्रीन हाउस एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव एज ग्रीन हाउस दैन मीथेन, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, 1 एंड 2. ठीक है, देखिए ये रिमेनिंग क्वेश्चंस जो यहाँ से है ना, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है, बड़े बड़े क्वेश्चंस है, तो इनमें से मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराती हूँ. ठीक है, तो देखते हैं पहले यहाँ पे बाकी जो है होमवर्क आपको रखूँ मैं, आप लोग ये PDF लेके खुद पढ़िए और इनके आंसर्स करिए. ठीक है चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, कॉन्टोर बन रिले क्रॉपिंग जीरो टिलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द अबव हेल्प और हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल. ठीक है, तो इसका आंसर
करेक्ट आंसर, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, ठीक है, ये भी, ये भी एंड ये भी। ओके चलिए जी, लेट मी सर्च इन में से कौन सा क्वेश्चन। ओके चलिए, ये जो आपके 79 क्वेश्चन है वहां से आप ये, आपको ये होमवर्क रखती हूँ, आप ये पीडीएफ से करिए, पढ़िए। देखिए आप अब यहाँ पे बताएंगे कि आईएएस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो हमें कहाँ आएंगे ये, तो आईएएस में आए हैं पता नहीं कब, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे छुपे हैं, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे छुपे हैं, एक एक पॉइंट में कॉन्सेप्ट छुपे हैं, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए। तो अब हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, ओजोन लेयर हमारे क्लाइमेट का ही पार्ट आता है, ठीक है, तो चलिए ओजोन लेयर पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। ओके चले जी, ओजोन लेयर इज अबाउ द अर्थ क्रस्ट अराउंड, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है 20 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। चलिए, प्लेस वर ओजोन लेयर इज प्राइमली फाउंड इज, कहां पे ओजोन लेयर पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। यस चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्वेश्चन को देखा करिए, इज नॉट ट्रू, लेकिन ये रीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, तो इसका करेक्ट आंसर है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट पे आते हैं, द रेडिएशन दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज, करेक्ट आंसर है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। ओके, ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज। चलिए, ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, ऑप्शंस देखते हैं, ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइड सेफ्टी टू लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई इज ओजोन लेयर यूजफुल टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि इट प्रिवेंट्स द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ठीक है। अब देखिए, ओजोन एंड यूवी रेज, एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके कैसे डाला जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो इंसान सीखता ही है। ओके कुछ लाइफ में आप एक बात सीखोगे, वेस्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन कैन कॉज, तो करेक्ट आंसर है डर्मल कैंसर, जैसे स्किन कैंसर होता है ना यूवी रेडिएशन से। ओके चलिए, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है 16th of September। चलिए, ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, तो करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीमेंट इन द ओजोन लेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज सॉल्वेंट। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं,
Among the following greenhouse gases, which does not cause ozone pollution in the troposphere? तो करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके चलिए. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर. तो करेक्ट आंसर है एंटार्क्टिका. राइट चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर है ओजोन लेयर. चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ओके चलिए विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर्स. तो इसका करेक्ट आंसर है मैफ्रॉन. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका. तो करेक्ट आंसर है ब्रिटिश टीम. सॉरी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. इन स्ट्रैटोस्फेयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय. तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. वेट द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन द एंटार्क्टिका रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल. तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड ओजोन हैलो ओवर तिब्बतियन प्लेटो इन 2005. तो इसका करेक्ट आंसर है G.W. केंट मूरी. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो ये वाला एसिड रेन नाइट्रिक एसिड. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेज आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस. तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस आर यूज्ड. ठीक है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स इन क्लीनिंग सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल केन्स. वेट तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इज और ओजोन डिप्लीटेड. ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हेलन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स तीनों. ठीक है 1, 2, 3. ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये इसका. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन आप देखिए. ओजोन इज एसेंशियल फॉर बायोटिक लाइफ. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशंस. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. चलिए
बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा ओजोन का पोर्शन भी। इसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये यहाँ से फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, इसके बाद सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया हमने फिर भी ऐड किया है, बिकॉज JKSSB का कोई नहीं है क्वेश्चन, वो कहीं से भी डाल सकता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व से आते हैं क्वेश्चन, इनसे मतलब क्या कहते हैं इनको, यार क्या है, हाँ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस पढ़िए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा एंड आप लोगों ने अच्छे से आंसर्स भी दिए, एंड इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए, आपको इस लेक्चर की PDF हमारी एप्लीकेशन से मिलेगी। ओके ओके, बाय बाय।